तो संडे है, पर आप संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा आप इस फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं ना, नहीं तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाएगी, वैसे नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना उतने मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना? फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना, इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना ना रखा है खा लेना, है वही दाल रोटी। वेरी नाइस। हाय मनिया, व्हाट्स अप? यार घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, तेरे घर आ जाऊँ? तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखता है, सो रही है तू? अरे सुनना, मजा आएगा, चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का? हाँ बंटी को भी बुला लेना।
साहब पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे दो जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप्पी दे देना। सर आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मेरे ही कारण ये सब भी होना पड़ा। बेटा मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की। पर फिर भी ये दो नौकरियां कर रहा हूं ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। मैंने नहीं सोचा था तू मुझे धोखा देगा। I'm sorry पापा, पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। I'm sorry पापा, I'm sorry, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। I promise पापा, I promise।